पॉजिटिव मरीज सामने हैं और डेथ का आंकड़ा कितना है? कल रात की जो बुलेटिन जारी हुआ था उसके हिसाब से 84 लोग इंदौर में पॉजिटिव पाए गए हैं और इंदौर में जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें उनको मिलाकर कुल 1029 कुल टोटल संख्या होती है। इसी तरह से मृत्यु का आंकड़ा 2 कल मौतें हुई थी कोरोना सस्पेक्ट कोरोना पॉजिटिव की और उनको मिलाकर 55 का आंकड़ा हो जाता है। जो डिस्चार्ज किए गए थे वो 77 लोग हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से लगभग 25 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और लोग हैं सेम्स में भी और इंडेक्स में भी जिनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आना बाकी है। जैसे ही वो दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आती है हम लोग उनको भी डिस्चार्ज कर देंगे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भी अभी सूची प्राप्त हुई है हमें इसमें भी नए एरिया नाम मात्र के लिए हैं और पुराने जो सूची चले आ रहे थे जो हमारे पहले से ही हॉटलाइन थे उनमें से हमें पॉजिटिव केस मिल रहे हैं जिन्होंने पहले ही क्वारंटाइन किया हुआ था या वो येलो अस्पताल में पहले से। दूसरी बात यह है कि जो कंटेनमेंट एरिया का सर्वे चल रहा था वो सर्वे में करीब 1817 टीमें कल तक लगी हुई थी और इन्होंने 15 लाख के करीब लोगों का परीक्षण कर दिया है। ऐसे में अब हमें लगता है कि 3 या 4 दिन के अंदर हम पूरे शहर का बफर जोन जो बन रहा है वहाँ पर हम सर्वे कर लेंगे। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी INI या तारीख यानी कि इंक्रीजन आई की किसी को भी हो या सांस की कोई तकलीफ हो रही है ऐसे लोगों को हम परीक्षण कर लेते हैं और उनमें यदि किसी तरह के भी लक्षण पाए जा रहे हैं तो उस उनका हम इलाज भी करा उनका सैंपल भी करते हैं और आवश्यक अनुसार कार्रवाई। सर ये जितने अभी पेंडिंग रिपोर्ट लगभग 2000 बताई जा रही है तो इनका बैकलॉग खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जैसे आप लोगों को सबको अभी याद होगा कि आज सुबह ही विशेष विमान के द्वारा कुछ जांचें भेजी गई हैं जो यहाँ भोपाल और भोपाल से फिर बंद चले गए हैं। इस तरह से बैकलॉग को बाहर भेजकर ऐसी जगह भेजकर जहाँ पर उनका जल्दी निराकरण हो सके ये प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में जो मशीनें कल जो चर्चा हुई उनसे बहुत से भी चर्चा हुई है और जो केंद्रीय दल था उनसे भी चर्चा हुई। इसके बाद अब ये स्थिति है कि यदि वहाँ पे उनको RNA एक्सट्रैक्टर का किट मिल जाता है तो लगभग 800 तो उनको जाँच करने का उनकी कैपेसिटी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में ये बैकलॉग की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो बहुत से जो रिपोर्टें ऐसी हैं जिसके अंदर ना तो नेगेटिव आया है ना पॉजिटिव आया है और ये लोग क्वारंटाइन हैं तो इन लोगों की कब तक वापस से जांच होगी और रिपोर्ट आ? देखिए जो क्वारंटाइन में है यदि उनको 14 दिन हो गए हैं तो उनको एक्सरे करके भी और यदि उसमें कुछ लक्षण नहीं पाए जाते तो डिस्चार्ज किया जा सकता है और बाकी ये देखना पड़ेगा कि जो रिजेक्टेड हुए हैं या जिनको कोई रिपोर्ट नहीं आया है उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो बाकी हैं उसी अनुसार उनकी कार्रवाई करके छुट्टी दी।